हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन हम एक ही शेयर से बात करेंगे जो कि NSE का नंबर वन शेयर है स्टॉक मार्केट का, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है दोस्तों अभी, जहाँ पर आप देख सकते हो जिसका जियो का प्लेटफॉर्म इतना शानदार जम चुका है अपने इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ऊपर आ रहा है टेक्नोलॉजी में दोस्तों। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसमें इन्वेस्ट कर रही है। आप लोगों को पता है कि मार्केट में स्टॉक सबसे पहले नीचे आया था, ठीक है। आप लोगों को पता है जैसे ही मार्केट गिरा था, सबसे पहले स्टॉक नीचे भी आया था, मार्केट भागना चालू नहीं किया, उससे पहले स्टॉक अपने एक नए हाई लेवल के पास पहुंच चुका है। मतलब आप समझ सकते हो कि ग्रोथ कितनी शानदार है कंपनी में, नीचे जाने की भी और ऊपर जाने की। मतलब आप अगर नए ट्रेडर्स है या मान लीजिए पुराने ट्रेडर्स है, अगर आप आँख मीच के भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ आप उसमें प्रॉफिट निकालोगे दोस्तों। आप लोगों को पता है कि मार्केट में स्टॉक का मोमेंटम सडनली जाना और ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट में इस प्रकार का मोमेंटम स्टॉक में बनता है तो ही प्रॉफिट बनता है। इसको इग्नोर करिए और इसको आपके पोर्टफोलियो में मैनेज करिए, ठीक है। तो आइए अपन रिलायंस में जो न्यूज़ है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। दो सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, उस न्यूज़ में आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट और आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा एकदम से बाउंस बैक गैप अप ओपनिंग के साथ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, रिलायंस का आप लोगों के सामने स्टॉक ओपन किया। रिलायंस अभी 9.5 लाख करोड़ के साथ NSE का नंबर वन स्टॉक है। उसका जो जियो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उसका वैल्यूएशन 4.5 लाख करोड़ का हो चुका है। तो ओवरऑल अगर दोनों कंपनी को कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को लगभग 13 से 14 लाख करोड़ का इसमें वैल्यूएशन दिखेगा। जो इनका ऑयल बिजनेस है दोस्तों, उन्होंने उस पर फोकस कम करते हुए जियो पे ज़्यादा फोकस किया, जिसके कारण जियो में इनको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है। तो वहीं पर आप देख सकते हो जो लास्ट फ्राइडे को इसका परफॉर्मेंस हुआ, करीबन 1470 पे स्टॉक बंद हुआ, करीबन 0.15% की गिरावट प्रीवियस क्लोज देखी, गैप डाउन ओपनिंग हाई देख सकते हो, देन उसका लो देख सकते हो, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं लगभग 1.84 करोड़ के समथिंग। जो इसमें ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है दोस्तों वो 2.70 करोड़, काफ़ी शानदार है दोस्तों। और वहीं पर आप लोगों को अब दिखाना चाहूँगा मैं क्या, इसका 52 बिक का हाई देख सकते हो, 1601 रुपये का, जो कि 20 दिसंबर का और ऑल टाइम का हाई है दोस्तों। 52 बिक का लो 23 मार्च का है, जो कि 866 रुपये का आप लोगों को दिख रहा है। आप कंपैरिजन कर सकते हो स्टॉक कहां पर चले गया है, ठीक है। तो ये है स्टॉक की क्वालिटी और ये है लॉन्ग टर्म का स्टॉक। आप चाहे 1500 का स्टॉक हो चाहे 2000 का हो, आप इसको आपके पोर्टफोलियो में मैनेज करा है तो डेफिनेटली गारंटी के साथ स्टॉक प्रॉफिट देगा। अब डिलीवरी देखिए, इतने बड़े आप मार्केट में देख लेना दोस्तों, इतने बड़े शेयर प्राइस के हिसाब से इतनी डिलीवरी आपको कोई से भी शेयर में नहीं दिखेगी, जो कि हर दिन 1 करोड़ से 80 लाख के बीच में रहती है दोस्तों। आप देख सकते हो 1.3 करोड़ के समथिंग है, जो कि 55% की देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। वहीं आप अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन पे एक बार आप लोगों को डिटेल दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर का थोड़ा कंपेरिजन में अगर करोगे आप, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा दोस्तों लॉकडाउन के वजह से, ठीक है। जिसके कारण कंपनी मार्केट तो बेसिकली कोरोना वायरस के इन्फेक्ट से गिर रहा था, स्टॉक भी काफ़ी नीचे आ चुका था, ठीक है। उसी के बेस पे आप देख सकते हो अभी कंपनी का राइट इशू चल रहा है, जो कि 13 मई को था दोस्तों, 13 मई को चालू हुआ था, देख सकते हो। एक मतलब लगभग 15 शेयर पे एक शेयर राइट इशू आया था दोस्तों, और उसका जो प्रीमियम प्राइस रखा गया था 1247 रुपये का रखा गया था, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हो डिविडेंड जो प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं दोस्तों कंपनी भी, ठीक है। शेयर होल्डर पैटर्न के आप लोगों को मैं बता देता हूँ, शेयर होल्डर पैटर्न आप देख सकते हो 50% की होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास और लगभग 49% की है आप देख सकते हो पब्लिक के पास। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लगभग पूरी अंबानी
अंबानी फैमिली के पास लगभग इस कंपनी के स्टॉक 30 करोड़ शेयर रखे हुए हैं उनके पोर्टफोलियो में, ठीक है। 30 करोड़ शेयर आप समझ सकते हो, और वो भी चारों जो फैमिली मेंबर हैं उनके पांचों जन उनके ही मतलब अंडर में हैं ये 30 करोड़ शेयर। आप लोगों को पता है लगभग कंपनी के ऊपर दोस्तों 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है, वो कंपनी एक साल के अंदर ये डेट फ्री हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर मुकेश अंबानी जी ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं और कितनी बार भी बोल चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ पर आप देख सकते हो गिरवी शेयर देखना चाहेंगे, एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो मतलब इन्होंने गिरवी रख रखा है, या एक भी परसेंट ऐसा शेयर नहीं है जो इन्होंने यहाँ पर गिरवी रख चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो हो गई थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी का परफॉर्मेंस। अब जो न्यूज़ है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हो, आप लोगों को लाइव मिंट की जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर लेके आए हूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो दोस्तों, आप लोगों को दिखेगी। 29 मई की न्यूज़ है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर यूएई फंड मुबादला, यूएई की एक दोस्तों कंपनी है जिसका नाम है मुबादला, एक बिलियन मतलब स्टेक इन जियो, मतलब आप समझ सकते हो मतलब 1 बिलियन कितना अमाउंट होता है दोस्तों, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा मुबादला स्कीन बाय मतलब 1%, मतलब लगभग आपको देखने को मिलेगा 1% से ज़्यादा का स्टेक ये जियो प्लेटफॉर्म में अपना ले रहे हैं दोस्तों, मतलब ये अभी न्यूज़ पूरी तरीके से कंफर्म है, ठीक है। तो ये डील भी कभी भी क्रैक हो सकती है दोस्तों। अबू धाबी, यहाँ पर आप देख सकते हो अबू धाबी की जो फंड मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर है मुबादला जो फंड मैनेजमेंट है सॉरी मैनेजर है वो मुबादला इन्वेस्टमेंट सीईओ इन द टास्क ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा अमाउंट है दोस्तों। यहाँ पर 1 बिलियन काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, आप लोगों को पता है दोस्तों, जो कि जियो प्लेटफॉर्म में। ये डील अपने को बहुत ही जल्दी क्रैक होते दिखेगी तो कंपनी में और काफ़ी ज़्यादा कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, कंपनी का जो डेट है दोस्तों वो अपने को कम होते हुए यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। वहीं पर उसी बीच आप देख सकते हो बहुत सारी न्यूज़ें, बहुत सारी कंपनी में फेसबुक, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, सिल्वर टास्क, विस्टा इक्विटी पार्टनर, इन्होंने कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी परचेस कर लिए दोस्तों, कंपनी का वैल्यूएशन इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। एक कंपनी तो जो मुबादला है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का भी न्यूज़ आया है, वो माइक्रोसॉफ्ट इसमें 2 बिलियन दोस्तों 2 बिलियन इन जियो प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें लगभग 2 बिलियन के समथिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप लोगों को सोचने वाली न्यूज़ है कि इतना शानदार मतलब जियो का प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, मुबादला, ठीक है। वहीं पर फिर दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हो फेसबुक के बाद केकेआर, एंड केकेआर के बाद सिल्वर टेक्स, विस्टा इक्विटी, ये सब कंपनियां दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यूएस की जिन्होंने अपने एशिया मार्केट में सबसे बड़ी डील करी है अभी तक के उनके इतिहास में दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि रिलायंस का कद और ऊँचा हो जाएगा मार्केट में, इनकी तो डील क्रैक हो चुकी है, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की, अबू धाबी की। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एक और न्यूज़ की, देन उसके ऊपर लेके चलता हूँ। एक और कंपनी का नाम बताना चाहूँगा दोस्तों जिसका नाम है ट्विटर। ट्विटर आप लोगों को पता है कितना बड़ा सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ठीक है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही है। वो कोई भी राय अपनी देते हैं या कुछ भी करते हैं तो ट्विटर के ही तरफ से वो मतलब अपना ट्वीट करके ही अपनी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो न्यूज़ आई है दोस्तों, आज ही की न्यूज़ है, ट्विटर, मुबादला, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर इन्वेस्टमेंट इन द रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म रिपोर्ट, मतलब ये भी अभी रिपोर्ट है, इनका भी अभी कंफर्म नहीं है। जिस दिन ये तीनों डील क्रैक होती है, ठीक है, और इनका तीनों का मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, रिलायंस जियो में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है अबू धाबी की तरफ से जिसका नाम कंपनी मुबादला, ये तो आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। अब ट्विटर के आप देखोगे, ट्विटर का जो न्यूज़ आया है वो एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सेम अमाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेम अमाउंट मुबादला का है $1 बिलियन का, वही सेम अमाउंट आप देख सकते हो मनी ऑफ द जियो प्लेटफॉर्म, मतलब ट्विटर भी अपना सेम अमाउंट लगभग $1 बिलियन इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को तीन तीन कंपनियों का न्यूज़
पता चल गया है दोस्तों, तीनों कंपनी एक से बढ़कर एक ही आप लोगों को पता है दोस्तों। तो उसके बेस पे आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हमें इस स्टॉक में डेफिनेटली इनको परचेस करना है, और हमें कसम खाना है कि ये स्टॉक को मार्केट में कभी भी सेल नहीं करना है दोस्तों। अच्छा खासा डिविडेंड हर साल लेना है और अच्छा खासा पैसा इन कंपनियों में बनाना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे लिखा आया हूँ। चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, 5 साल का आप लोगों के वो सामने ओपन है। मैं किसी भी स्टॉक को आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ लगभग 5 साल के टाइम फ्रेम के लिए करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिटर्न है लगभग 240% का, अगर आप पॉइंट में देखोगे तो लगभग 1050 पॉइंट से ऊपर का रिटर्न है दोस्तों लगभग 5 साल में। ठीक है, उस 5 साल में कंपैरिजन आप कर सकते हो कि कितने के प्राइस पे पहले मिल रहा था। 2016 में ही 400 रुपये पे स्टॉक मिल रहा था। यहाँ पर अगर बात करूँगा 2018 मतलब आज से 2 साल पहले स्टॉक मतलब अपने सिंगल मतलब साइड पे मिल रहा था जो कि 885 रुपये से है, जो 1600 के हाई से अगर कंपेयर करते हो दोस्तों। तो ठीक है, तो स्टॉक को 5 साल की रेंज में अगर आप खरीदोगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 6.5 लाख करोड़ का है 2019 में। ठीक है, तो उससे ही कंपैरिजन करेंगे। रेवेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है वो 5% बढ़ के आया था क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 2020 का अपडेट है। नेट इनकम थोड़ा कम हुआ था दोस्तों। EPS आप देख सकते हो 42% डाउन हुआ था। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कंपनी का ये भी डाउन हुआ था क्योंकि रिजल्ट आप लोगों को बता ही दिया था। ऑपरेटिंग इनकम आप देख सकते हो काफ़ी कम रही थी। कैश ऑफ हैंड मतलब कंपनी के हाथ में कैश, ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि 180% का है। और कैश ऑफ रेवेन्यू, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 11.25% से ज़्यादा का है दोस्तों। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी शानदार कंपनी, और अपने को ये हर ट्रेडर्स के सबसे पहले, वो नया ट्रेडर्स हो या पुराना हो, 50 रुपये के पीछे नहीं भागना दोस्तों। 50 रुपये के शेयर के पीछे भागो तो ऐसी कंपनी लीजिए कि 50 रुपये भी अगर 100 रुपये बनता है तो प्रॉफिट मिले। अदरवाइज़ हर ट्रेडर के स्टॉक में दोस्तों ये स्टॉक तो होना ज़रूरी रहता है। ये स्टॉक अगर है तो समझो आप कोई सी भी कंपनी उसके बाद खरीद लीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो जो न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी जो भी डिसाइडेड रहेगा वो आप लोगों के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, देन चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स इन मार्केट दोस्तों आप लोगों तक लाता रहता हूँ। थैंक यू।